हरे कृष्णा फ्रेंड, आगे के वीडियो में हमने ये चोली और इसकी डिज़ाइन बनाना सीखा। अब हम इस ड्रेस के मैचिंग की पगड़ी बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब हम पहले 25 चेन बनाएंगे, 25 चेन हो गई है, लेकिन लगता है कि ये थोड़ी कम पड़ेंगी, तो अब हम 30 बना लेंगे। ये देखिए हमारी 30 चेन हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे और 2 छोड़ के तीसरी में डबल क्रोशिया करेंगे, और इसी तरह अब हम सारी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। ये देखिए हमने सारी चेन में डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम ये धागा काट देंगे। और यहाँ से ही हम दूसरा धागा स्टार्ट करेंगे। तीन चेन लेंगे, और ये जो सारे हमारे डबल क्रोशिया नीचे के हैं उसी के ऊपर हम इस रंग के धागे के भी डबल क्रोशिया बना देंगे, एक एक बार, हर एक में एक एक बार। ये देखें ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। इसे भी काट लेंगे और अब हम पगड़ी के पीछे लगाने वाली पत्ती बनाएंगे। इसके लिए हम मैजिकल रिंग बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे और इसी में हम चेन को मिला के 10 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी में मैजिकल रिंग में ही चेन को मिला के 10 बार। देखिए हमारे 10 बार डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम इस धागे को खींच लेंगे इस तरह से। देखिए हो गया। अब हम इस धागे को काट लेंगे और यहाँ पे दूसरा वाला धागा जॉइंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कैसे स्टिच लेना है। ये देखिए एक चेन ली हमने, और जैसे हम ये सिंपल वर्क बनाते वक्त आगे जाते हैं उस तरह नहीं जाना है, हमें पीछे जाना है। इस लूप को थोड़ा बड़ा रखेंगे और इसके पहले की जो चेन है उसमें हुक डाल के लूप लेके
फिर दो लूप को एक लूप में से निकालेंगे इस तरह से। एक बार और देखिए, इस लूप को थोड़ा बड़ा रखेंगे। उसके बाद वाली जो पहले वाली चेन है उसमें हुक को डालेंगे, लूप लेंगे, और ये दो लूप है उस दोनों लूप को एक लूप में से निकालेंगे इस तरह। तो ये वर्क हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पत्ती हमारी बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम दूसरी पत्ती बनाएंगे जो हम पीछे लगाने वाले हैं। इसके लिए भी हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। तीन चेन लेंगे और इसी में हम 10 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे 10 बार डबल क्रोशिया हो गए हैं मैजिकल रिंग में। अब हम इस धागे को खींच लेंगे और इस धागे को एक स्लिप स्टिच करके काट देंगे। और अब हम यहाँ पे ये वाला धागा जॉइंट करेंगे। इसका वर्क हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तीन चेन लेंगे, फिर दूसरी बार तीन चेन लेंगे और दो छोड़ के तीसरी में हम स्लिप स्टिच करेंगे। और इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन लेंगे और ये जो दो लूप है हमारे, ये और ये, इन दोनों लूप में से हुक को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर तीन चेन लेंगे और ये दो लूप उठा के हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम सभी चेन में करेंगे। अगर आपको लगता है कि सिकुड़ रहा है तो इस साइड और इस साइड एक चेन में आप दो बार इसी तरह से डबल क्रोशिया कर सकते हैं। देखिए हमारी पत्ती बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। ये छोटी वाली बड़ी वाली। अब हम इसको जॉइंट करेंगे तीनों को। देखिए किस तरह से करना है। ये जो हमारा सीधा वर्क है वो हमें अंदर की साइड रखना है। जब हम स्टिच लेंगे सुई धागे से इस तरह से, इस तरह से हमें इन सभी किनारी पे स्टिच कर लेना है सुई और धागे से, जो मैं आपको करके बताती हूँ। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। यहाँ से इस तरह और यहाँ से यहाँ, और अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी पगड़ी। और अब हम ये पत्तियाँ लगाएंगे। ये पत्ती यहाँ पे लगाएंगे, ये पीछे वाले बड़ी वाली पीछे की साइड इस तरह से। तो ये पत्ती लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये बनने के बाद कुछ इस तरह की दिखेगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।